हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे एंड खुश होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में जिसका नाम है गेम स्टोर सिम्युलेटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस गेम की अपडेट पर हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया था और इसमें काफ़ी सारी चेंजेस भी कर दिया गया था। अगर आप लोगों ने इस गेम की लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। और गाइस, शायद ये इस गेम की आखिरी एपिसोड हो सकता है क्योंकि अब इस गेम में कुछ है नहीं करने को। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ दूसरे गेम्स को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि फार्मिंग सिम्युलेटर 2022 को मैं स्टार्ट करूँ। सो जैसा होगा, अगर वीडियो तैयार हो जाएगी तो मैं उसको नेक्स्ट डे पे अपलोड कर दूँगा, क्योंकि इस गेम में अब कुछ बचा नहीं है। अब इसका सिर्फ एक ही लास्ट अपडेट जो आएगा वो आएगा हमारे गेम स्टोर का, जो कि काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है, माइलस्टोन 4 में शायद वो आने वाला है। अब उसको भी आने में मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन लग ही जाएगा। और हमारा सिक्योरिटी गार्ड और ये क्लीनिंग रोबोट आ ही गया था। तो भाई का कमेंट भी आया था कि हम लोग को उन्होंने एक चैलेंज दिया था $20,000 का। तो मैं थोड़ा बहुत ऑफलाइन खेल करके इतना पैसा भी कर लिया हूँ, जो कि मेरा भी थोड़ा बहुत खर्चा हो जाएगा। और यहाँ पर जो बहुत सारे गेम की सीरीज़ है उसको भी हम लोग चलेंगे, परचेस करेंगे और ला करके यहाँ पर लगाएंगे। और उन्होंने ये भी चैलेंज दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि इस गेम में जितनी भी गाड़ियां हैं हम लोग उसको परचेस करेंगे। तो चलिए गाइस, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और आज का कार्यक्रम हमारा यही है कि $20,000 को चैलेंज कम्प्लीट करना और जितनी भी गाड़ियां हैं सबको परचेस करना। तो पहले मैं अपने इस व्हीकल को लेके चलता हूँ स्टोर पे, क्योंकि हम लोग सामान इसी पे लाने वाले हैं। चल के देखा जाए थोड़ा सा क्या सीन है। चल जा भाई बाहर। एक तो यार गाड़ी भिड़ जाती है यार जब भी हम उसको निकालते हैं प्यार से। ये इसका कैमरा एंगल भिड़ जाए, जब भिड़ ना होगा तो भिड़ गया, बस मैं जान ही रहा भिड़ जाएगा, कुछ दिखता है ही नहीं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, जितनी भी गेम की सीरीज है हम लोग उसको परचेस करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा हो गया इस तरह में कि एक गेम की सीरीज में हम लोग मतलब हम लोग 100 परचेस करते हैं तो वो 6 बॉक्सेस में आ जाते हैं बहुत ही आराम से। मैंने परचेस किया 100 पहले, तो चलिए इसको परचेस किया जाए। अभी हमारा अच्छा खासा पैसा जो है ना सब अभी जाने वाला है। 100 सीरीज 624 डॉलर में, ये भी 100 सीरीज 572 में। चलो और कितना हुआ, 1196 है। ये चार ही कैसे आया भाई, चार कैसे आया, मैंने कितना लिया था इसको, तो और 2 आना चाहिए था। 50 50 50, चलिए देखते हैं, शायद कुछ मिस्टेक कर दिया हमने ऑर्डर करने में। तो इसको पहले मैं उसमें रख करके आता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये लोग हटते नहीं है भाई, मुझे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। इसको मैं रखता हूँ अपने वेयर हाउस में। और जितनी भी गेम की सीरीज है उसको हम लोग परचेस करके आते हैं। चल भाई, ये बोनट खुल जाता है यार। अभी हम लोग कहाँ पे गए थे, इस पे गए थे एडम गेम स्टोर पे। तो अभी हम लोग चलते हैं, अरे कहाँ गया, एबिगेल गेम स्टोर पे। तो यहाँ से भी हम लोग सारी की सारी 100 100 सीरीज परचेस कर लेते हैं। ये हुआ हमारा 100, तुम भी हुए 100 और तुम भी हुए 100। अभी हमारे पास है $16,345 और ये हुआ, हमसे कुछ गलती हुई ज़रूर, हम एक साथ मिस कर दिए हैं। अब कौन सा मिस किए देख लेंगे ज़रा उसको। अच्छा, सबकी दो दो सीडीज है ना, तो ये बजाऊंगा तो मैं चेक कर लूँगा, फिर मैं उसे फटाफट से परचेस कर लूँगा। और हमारी गाड़ी आते समय भिड़ गई यार, उसका क्या किया जाए। ये गाड़ी हल्की सी भी टच जाती है तो इतना लंबा चौड़ा डैमेज जाता है। तो गाइस, इसको मैं फटाफट से अपने वेयर हाउस में रख देता हूँ।
सो गाइस, तो हम लोग आ गए अपने वेयर हाउस में और जितनी भी डिवरीज हैं इनको मैं रख देता हूँ इसमें। इसमें कौन छूट गया था यार? दो दो इसमें दो छूट गया हमसे ना, तो उसको भी हम लोग ज़्यादा समय परचेज कर लेंगे। आ जाओ तुम भाई इधर 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 इधर, अब रखा जा। चलते हैं अब दूसरे वाले के यहाँ। तो अब हम चलते हैं, इसको छोटा इसको हटा देते हैं। अब बच गया हमारा हेक्टर गेम स्टोर, तो वहां पे चलते हैं, परचेस करते हैं हम लोग। अभी अभी जस्ट मैंने बनवाया था अपनी गाड़ी को वहां से आते समय। भाई तुम लोग कितना ही बेकार चल लो, अब फ्यूल खत्म, हद नौटंकी भाई, हद नौटंकी है। तो मैं पहले फ्यूल भरा लेता हूँ। तो गाइस, हम लोगों ने अपने फ्यूल को कर लिया है फुल, अब चलते हैं हम लोग हेक्टर गेम स्टोर पे और वहाँ से फटाफट से अपन लोग परचेस करके वापस वेयर हाउस में आपसे मिलता हूँ। 80 minutes later। सो ऑल गाइस, तो हम लोगों ने सारा का सारा जो हमारा गेम की सीरीज है हमने उसको यहाँ पे परचेस कर लिया है, और जो हमारी दो सीरीज बच गई थी, दो गेम की कैटेगरी बच गई थी, हमने उसको भी कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम लोग फटाफट से यहाँ पे लगा देते हैं जितनी भी हमारी बची हुई है। और गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी गेम की सीरीज को लगाया हुआ है उसमें मैंने सभी प्राइस का रखा था यहाँ पे, ये $20। और इसके पहले जो था मैंने ट्राई किया था कि 25 से लेकर के 21 तक हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, कोई मतलब नहीं हुआ। किसी को एक्सपेंसिव लग रहा है तो सेलिंग कम हो जा रही थी हमारी, तो हमारा कुछ हो नहीं रहा था। तो अभी हमारे पास बचा हुआ है $11,690। तो हम लोग इसको फटाफट से पहले सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जितना हमने खरीद के लाया था, परचेस करके लाया था, हम लोगों ने यहाँ पे टोटल लगा दिया। और कितना खूबसूरत लग रहा भाई देखने में, इन लोगों जो शाइनिंग कलर है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में यार ये। तो हम लोग लगा दिया है और कहीं कहीं पे ये बचा रह गया, तो अभी हम लोग क्या फालतू जाएंगे मार्केट खरीदने। तो अभी हम लोग अपने दिन को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट डे से देखते हैं। अभी आज हम लोगों ने $4,147 का हमने खर्च किया है। चलिए देखते हैं कि आज हमारी कितने की अर्निंग होती है। और इसी के साथ साथ मैं चलता हूँ, पहले अपना वो लगा देता हूँ, एडवर्टाइज वाला हम लगा देते हैं। वो हमारा 3 डेज पे ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग इसको लगा देते हैं अभी जा करके। एक तो गाड़ी से जाना यार, एकदम लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक तो अपने इस लैम्बोर्गिनी जैक में परेशान जाता हूँ, क्योंकि भी हल्का सा भी कहीं कूद गया ना तो डैमेज पक्का है। चलो भाई, 3 दिन के लिए दे दो, तुम भी दो और तुम भी लो, हमारे बचा $9,900। तो भाई, तो हमारा ऐसे ही पैसा ख़त्म हो गया यार। हम सोचे कि बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे, लगता है कि थोड़ा समय जाने वाला हम लोग का। खैर कोई नहीं, देखते हैं कितना हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। बस चैलेंज तो हमारा $20,000 का हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा हम लोगों की मदद भी करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उनकी मदद नहीं करेंगे ना तो वो रिसिया के चले जाते हैं यार। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, आ तो रहे बंदे लोग अच्छे खासे यार। कोई फंसा? हेलो भाई साहब, रियल लाइफ सिमुलेशन गेम्स है, सीरीज है, ये मत बोलना कि सीरीज नहीं है भाई हमारे पास। एक्शन ले लो मैडम जी, आपको रेस ले लो यार। हमारे जब तक हम लोग हैं यहाँ पे, कोशिश करेंगे किसी को भी निराश करके ना भेजें। और अरे कस्टमर्स कम कैसे आ रहे हैं भाई, और कस्टमर्स आओ यार, ये तो भरे हुए सब लोग। रियल लाइफ तो
अरे सॉरी 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 सॉरी, कुछ सिमुलेशन गेम था यार, स्ट्रेटेजी गेम, मैंने समझ लिया। अरे रोबोट जल्दी काम करो सब लोग, ये हमारा क्या चमक रहा है, बंद हो जाओ तुम। और कुछ चमक रहा है? अरे और चमक रहे यार तुम लोग। अच्छा हम लोग यहाँ जहाँ जहाँ क्लिक कर दिए वहाँ गड़बड़ा गया थोड़ा सा। चलो ठीक है, टूट गए प्लेटफॉर्म। आज के टाइम पे टूट गेम मत खेलो यार। पॉपुलर में चल रहा है क्या टूटी गेम्स? जरा मैं चेक करके आऊँ। एस्केप डेली ग्रैंड लुकिंग फॉर सिमुलेशन गेम्स चल रहा है यार, तो लोग प्लेटफॉर्म गेम परचेस करके ले जा रहे हैं। अब भाई साहब ये भी प्लेटफॉर्म गेम। हाँ और ऊपर चढ़ जाओ, और ऊपर चढ़ जाओ, नहीं नहीं और ऊपर चढ़ जाओ। हद नौटंकी है भाई, तुम लोग कहाँ बैठाया जाता है, कहाँ खड़ जाते तुम लोग। एक्शन गेम्स। और मैडम जी आप भी क्या लेंगी? यार मैं क्यों इतना गड़बड़ कर दे रहा हूँ, मुझे सिमुलेशन गेम पे क्लिक करना चाहिए तो मैं स्ट्रेटजी गेम पे क्लिक कर दे रहा हूँ। चलिए दो लोग, तो दो लोग को हम लोगों ने निराश कर दिया। पुश करेंगे आगे से, ना करें बढ़िया से पढ़ लेते स्मोक तो रेस में निकलता है। इतने शायद हमारा 20,000 तो हो जाना चाहिए यार, हो तो जाना चाहिए। वैसे कस्टमर इतने कम क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या हमने लेट से लगाया है 50% वाला? आना तुम लोग को अच्छा खासा चाहिए यार। तो अभी चलते हैं हम लोग गाड़ी को परचेस करने, चलिए देखते हैं। तब तक हमारा ये लोग सेल करते रहेंगे अच्छा खासा, तो मुझे फिलहाल पैदल ही जाना होगा। यहाँ से कहीं रास्ता बताया, ये रहा कार डीलरशिप। तो चलते हैं देखते हैं आज कौन कौन सी गाड़ी है, क्योंकि हर समय हम लोग को नई नई गाड़ियाँ नहीं दिखाई देती हैं। कभी कभी कोई गाड़ियाँ होती हैं तो कोई कोई गाड़ियाँ नहीं होती, जैसे कि आज ये है। ये तो हमारे पास है ही, क्या करेंगे अब इसको लेकर के हम लोग? नहीं नहीं क्या करेंगे, फालतू को 2,000 फंसाएंगे हम लोग क्या इसको? अभी नहीं परचेज करेंगे तो इसको हम लोग $20,000 होने के बाद ही परचेस करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे परचेस करते रहेंगे तो हमारा पैसा वैसे ही ख़त्म होता रहेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो थोड़ा देर वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कितनी क्या अर्निंग हो पाती है। तो गाइस तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया है, क्लोज हो गया हमारा शॉप। देखिए हमारी कितनी अर्निंग होती है, ये लोग चले जाएँ पहले। उतर जाओ मोहतरमा, नीचे उतर जाओ। कितनी अर्निंग हुई है? -265। क्या ही नौटंकी है, एडवर्टाइजिंग हम लोग खर्चा कर दी, इसका दिखा रहा है क्या? इतना इतना हुआ तो यार चलो जाने दो, देखते हैं नेक्स्ट डे पे कितना होता है। मुर्गा बोल गया है, कस्टमर्स लोग आते ही होंगे। हमारा 1 डे कंप्लीट, 2 दिन बचा है एडवर्टाइजिंग को, और गाड़ियां भी तो आ गई होंगी लेकिन अभी नहीं जाएंगे। कस्टमर्स लोग आओ यार जल्दी जल्दी। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. So all right guys, तो हम लोगों ने टोटल अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारे पास आप लोग देख सकते हैं $20,224 अभी हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। और इसको करने में गाइस वाकई काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लगा बहुत फटाफट हो जाएगा। और इसी बीच में हम लोग जाते रहे बार बार गाड़ी को परचेज करते रहते हैं, तो एक काम करता हूँ मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ आज के दिन को, और क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा गेम की सीरीज बची हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बची हुई है। ये रोबोट अपना क्लीनिंग करता रहेगा, बेचारा थक गया हमारा ये सब भी। तो चलते हैं, हमने वहाँ पे गाड़ियाँ परचेस कर लिया है और उसे बस एक ही करके लाना होगा, क्योंकि एक साथ वो गाड़ियाँ एक साथ स्पॉन नहीं हो पा रही थी। कई सारी रातें कई सारे दिन बीते हैं तब जाके हमें, मैं बार बार चेक कर रहा था तो मुझे गाड़ी वहाँ पर नज़र आई। तो चलते हैं कार डीलरशिप पे पहले। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 गाड़ियों को परचेस कर लिया था। एक गाड़ी ये वाली जो थी, ये हमारी सबसे पहली गाड़ी है जो सर इस गेम में इनबिल्ट आई थी पहले से ही, जो कि बाद में रिमूव हो गई थी। और अभी तो यहाँ पे ऐसी कोई भी नई गाड़ी नहीं जिसको मैं परचेस कर सकूँ। मैं बार बार चेक करने आया भी था लेकिन मुझे कोई भी नई गाड़ी यहाँ पे नहीं दिखाई दी थी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चलते हैं, एक एक गाड़ी को लेकर वहाँ पर मैं गैरेज पे लेके चलते हैं। और सबकी गाड़ी के साउंड भी सुन रहे हैं, सबकी अच्छी गाड़ी के साउंड है। डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों की डिफरेंट डिफरेंट साउंड है, अच्छी लगे सुनने में।
एक एक करके हम लोग इसको लेके चलते हैं अपने शॉप पे और वहाँ पे लगाते हैं, देखने में भी अच्छा लगेगी। तो गाइस हमने यहाँ पे एक गाड़ी को लाके खड़ा कर दिया है, अब चलते हैं दूसरी गाड़ी को लेकर के आते हैं। तो गाइस अब हम लोग लेके चलते हैं इस गाड़ी को। इस गाड़ी का नाम क्या था यार, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया था गाड़ी का नाम, बस मैं गया फटाफट से परचेस करता गया। इसको भी लेके चलते हैं हम लोग अपने गैराज, अपने गेम स्टोर पे, और सामने पार्किंग में इसको भी खड़ी कर देते हैं ताकि दिखने में कुछ तो अच्छा लगे। अब ले आते हैं हम लोग तीसरी गाड़ी को। सो ऑल राइट गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी सारी की सारी गाड़ियाँ जिसको भी हम लोगों ने परचेस किया था हम लोगों ने यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है। अब इसको एक लाइन से देखते हैं कैसा दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इसी बात पे, ये बेचारा क्यों अंदर खड़ा रहे। सो ऑल राइट गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ थी हम लोगों ने सब के सबको परचेस कर लिया है, और इसी के साथ हम लोग इस गेम को एंड करते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसा लगा हमारे गाड़ियों कलेक्शन। सो गाइस, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम लोग ऐसे मज़ार मज़ार वीडियो से स्टेप लेकर के आते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।